अस्सलाम वीवर्स, इजी ब्राइडल स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। वीवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो एम्ब्रॉयडरी से और स्टिचिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसका ताल्लुक बेसिकली स्टिचिंग से ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर सिलाई करते हुए हमारा कपड़ा हमसे कहीं पर फट जाए या कट लग जाए सीज़र से, तो फिर हम उस कट की वजह से तो ज़ाहिर है पूरा ड्रेस हम ज़ाया नहीं कर सकते, लेकिन उस कट को हम किस तरह रिपेयर करें कि वो नज़र भी ना आए, जो कट लगा हुआ है वो कट भी नज़र ना आए और वो कपड़ा भी पहनने के या इस्तेमाल के लायक रहे। तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कट लगाने के बाद जब हम इसको रिपेयर करेंगे तो कट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल भी वाजी नहीं होगा और वो कट कभी खुलेगा भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम इस पे किसी सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई रफू काज कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत ही स्मूथ सी टेप है हमारे पास जो कि हम यूज़ करेंगे, और इसको हम रिवल सिवल टेप कहते हैं। और ये देखिए, ये इतनी बारीक होती है, ये देखें कपड़े पर इस तरह रखें आप तो आर पार इसके कपड़ा भी नज़र आ जाता है, ये इस कदर बारीक है। और इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये दोनों तरफ से जो है वो कपड़े में चिपक जाता है और आयरन करने से ये गायब हो जाता है, ये नज़र भी नहीं आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस कपड़े में जो है वो कट लगा कर बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इस कपड़े में एक कट लगा लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये कट मैंने इस कपड़े में इस तरह से लगाया है, ठीक है। अब इस कट को लगाने के बाद हमने ये कट कैसे रिपेयर करना है ये मैंने आपको बताना है। उसके लिए हम इस कट को यूं करके स्मूथली इस तरह जोड़ेंगे कि ये कट जो है वो नज़र ना आए। उसके बाद हम ये जो हमारे पास टेप है इसमें हम इतनी टेप लेंगे कि जो हमारा कट लगा हुआ है ये देखिए हमारे कट से आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे जो है ये टेप होनी चाहिए। अब इतनी हमने टेप कट कर ली है, उसके बाद हमें इसी का सेम कलर का कपड़ा चाहिए है जो कि मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, और ये जो टेप है हमारी इससे ये कपड़ा ज़रा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको मतलब ज़रा सा ज़्यादा का मतलब ये है कि ये टेप जो है वो कवर हो जाए इस कपड़े के नीचे, ताकि ये आयरन से जो है वो टच ना हो। तो बस इससे मामूली सा हमने ये इजाफी कपड़ा कटिंग करना है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही इसके ऊपर है। तो ये जो कट है इसको हम बड़ा स्मूथली इस तरह अटैच करेंगे। बिलफर्ज़ अगर आपका कट पुराना है और उसमें धागे निकले हुए हैं तो फिर आप ये जो धागे हैं इसको भी कट करोगे, पहले वो धागे कट करोगे और इसे स्मूथली इस तरह से रख दोगे। जो भी कट हमारे पास लगा हुआ है उस कट के ऊपर हमने इस तरह से ये अपना टेप जो है कट किया हुआ जो उसका हिस्सा है वो रख दिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये इस तरह से ये कपड़ा रख दिया। उसके बाद हमने आयरन को गर्म करना है अपने, और गर्म करने के बाद हमने अपनी जो आयरन है उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, और थोड़ी देर हमें इसको चंद सेकंड तक इसको दबा के इस तरह से रखना है। कपड़े पे डिपेंड करता है, ये कॉटन का कपड़ा है, अगर कॉटन का है तो आप इसे थोड़ी ज़्यादा देर दबा के रख सकते हैं, और अगर ये सिल्क वगैरह का कपड़ा हो तो फिर हम इसको दबाकर नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए आपको इसके ऊपर पहले एक और कपड़ा बिछाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से आयरन को जो है वो दबाकर रखेंगे। थोड़ी देर बाद आप आयरन को इस तरह से जो है वो हिला के प्रेस कर सकते हैं। फिर ये देखिए ये इसके ऊपर चिपक गया है, लेकिन हम इसको दूसरी तरफ से भी इस तरह से मोड़ लेंगे। अब हल्का सा आपको यकीनन ये नज़र आ रहा होगा, तो हम यहाँ से भी थोड़ी देर इसको इस तरह दबा के आयरन को रखेंगे और फिर आयरन को इस तरह से हम जो है वो प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद देखिए अगर हम बहुत ज़्यादा गौर से देखें तो एक मामूली सा कट का निशान हमें नज़र आता है, लेकिन उसके अलावा हमें देखिए नज़र नहीं आता ये कि ये जुड़ा हुआ है। अब ये जो है यहाँ से देखिए ये जो कपड़ा है देखिए इसको खींचें तो ये नहीं हटता है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि आया ये वाकई में काम कर रहा है या नहीं, तो आप इसको ऐसे खींचिए, देखिए इतनी ज़ोर से मैं इसको खींच रही हूँ फुल ज़ोर लगा के, लेकिन ये जो कपड़ा है
ये देखिए ये बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है इस टेप की वजह से और ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये देखिए आपको कपड़े से पता चल रहा होगा कि मैंने इसको कैसे ज़ोर से खींचा है, लेकिन ये अलग नहीं हो रहा है और बिल्कुल मामूली सा निशान नज़र आता है ज़्यादा गौर करने पर, अगर आप ना करें तो नहीं नज़र आता। इट्स मीन दैट कि ये यूज़ करने के बाद आप जो है आपका कपड़ा अगर नया कपड़ा है और वो जो है इसमें कोई कट लग गया है तो वो काबिले इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा इनाम होता है और हमें बड़ी खुशी होती है। थैंक यू।